तो आपके हॉस्पिटल का बिल जो है ना, अपना ग्लास बड़ा 60 वाला, तो थोड़ा से अपन ज्ञान लेते हैं और आपको ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। तो लो जी भाई, यहाँ रेडी हो गया है अपना मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट, उपमा, अंगूर और बादाम वाला दूध। तो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट, तब तक आप भी कर लीजिए। जब भी मैं राइड पे जाता हूँ ना यार, तो लोग मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि भाई टेल अस हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। ठीक है, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ भाई हेलमेट पहनो, जैकेट पहनो, राइडिंग गियर्स पहनो, पर उसके अलावा एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपका इंश्योरेंस। बिकॉज राइडर होने से पहले हम एक ह्यूमन बींग ही है ना, तो भाई ऐसा होता है इन फ्यूचर खुदा नगास्ता, भले आप संभल के चल रहे हो, सामने वाली गलती से कुछ भी हो गया हादसा, तो आपके हॉस्पिटल का बिल जो है ना उससे ज्यादा बढ़ के आएगा। ऐसा है कि वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, बड़ों को नमस्ते, छोटों किसी और साथ वालों को टाइट वाली झप्पी। तो भाई साहब, मैंने ना एक अपने आप को एक चैलेंज दिया है कि मैं डेली व्लॉग करने की कोशिश करूंगा और होप सो आप इस में मेरा साथ दोगे। सो भाई फिलहाल जो ऐसा है ना, मुझे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू करानी है, तो उसके लिए जाऊंगा मैं अपने फ्रेंड आशु भैया है उनके पास जाऊंगा, बिकॉज मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह काम वही देखते हैं, बिकॉज ध्यान नहीं रहा कभी, तो एटलीस्ट उनके पास मैसेज आते रहते हैं, वो मुझे अपडेट करते रहते हैं कि भाई अब आपका हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है, तो अब मैं उनके पास जाऊंगा, उसको अपडेट कराऊंगा। उसके अलावा हॉस्पिटल जाना है। नहीं नहीं भैया, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल जाना है मुझे डैड की मेडिसिन लेने के लिए, बिकॉज क्या है, डैड रेलवे से रिटायर्ड थे, तो जितनी भी मेडिसिन आती है उनकी वो आती है रेलवे हॉस्पिटल के थ्रू, तो चल के देखते हैं भैया, सरकारी काम है, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती है, तो चलिए आज आपको लेके चलता हूँ दवा खाना। ऑलराइट, सो भाई लोग, आज मैं लेके जा रहा हूँ जुपिटर, बिकॉज क्या है ना यार कि सिटी में ना सही रहता ही है यार, और हाफ फेस हेलमेट लगाया है, फुल फेस क्या, जुपिटर पर मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, ये वाला सही रहता है तो कंफर्टेबल भी रहता है और ट्रैफिक में ना इतना इशू नहीं आता है। राइट भाई लोग, सो पहुंच गया हूं मैं रेलवे हॉस्पिटल, और ये बुकिंग ऑफिस है, उसके जस्ट सामने ही रेलवे हॉस्पिटल है, तो चलते हैं फटाफट अंदर और पर्ची वर्ची कटवा के दवाई वाई लेते हैं। राइट, सो भाई डॉक्टर से स्लिप के सिग्नेचर वगैरह करवा लिए, तो क्या है कि ये तो मंथली गोलियां हैं तो एज इट इज़ आ जाती है, और इंजेक्शन जो चलते हैं बाबा के शुगर के, तो उसके लिए ये वाली स्लिप अलग से बनवानी पड़ती है। चलो फटाफट अंदर चलता हूँ और दवाइयाँ लेता हूँ। इंजेक्शन वगैरह सब मिल गए, तो अब उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन बाद आना और वापस आपकी जो रिमेनिंग मेडिसिन है वो दे देंगे। मिल जाती है, 1-2 दिन लगते हैं कभी कभार स्टॉक ऊपर नीचे, बिकॉज स्टॉक जो होता है यहाँ का वो पूरा आता है रतलाम डिवीज़न से, बिकॉज ये पूरा रतलाम डिवीज़न के अंदर आता है, और हेडक्वार्टर जो है और जो मेजर बड़ा हॉस्पिटल है वो रतलाम में है, तो वहाँ से सप्लाई जब यहाँ होती है उसके बाद दवाई मिलती है। तो चलिए मेडिसिन ले लिए मैंने यहाँ से, और अब चलते हैं आशु भैया, बिकॉज क्या करवाना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। सो भाई मैं ना अभी घर जा रहा था, तो भाई एकदम बैठा दिख गया, दिल्ली से आया हुआ है भाई, कहाँ से, क्या नाम है भाई, हाँ दिल्ली से आया हुआ भाई, एकदम जूस पिलाएगा अपने को ताज़ा। तो भाई पहले चलती थी ये वाली मशीनें, अब तो ये बंदी हो गई, कहीं कहीं दिखती हैं ये, और इसका जो जूस पीने में मज़ा आता है ना यार, वो नई मिक्सर ग्राइंडर के जूस में मज़ा नहीं आता है। भाई ये आ गया अपना ग्लास बड़ा 60 वाला, और जो मज़ा गर्मी में जूस पीने में ना भाई, वो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह में नहीं है। जस्ट लाइक ऑल राइट भाई लोग, सो पहुंच गया हूँ मैं अशुभ के पास। अब ऐसा है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है भाई, और आपको ना ये हर जगह काम आएगी, तो थोड़ा आशु भैया से अपन ज्ञान लेते हैं और आपको ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं इनसे, तो बताओ आशु भैया। हेल्थ पॉलिसी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियली बजट को बहुत मैनेज कर लेती है। आप जो इंस्टॉलमेंट भरते हैं वो अगर आप 10 साल भरें तो भी एक ही बार के हॉस्पिटल के बजट में वो रिकवर हो जाती है, आपका फाइनेंशियली बहुत सेफ रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। मेंटली उस समय जिस समय ये समस्याएं आती है
आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते हैं उसमें, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। इसलिए मैंडेटरी है हर व्यक्ति हर फैमिली के पास हेल्थ पॉलिसी होना ही चाहिए। तो देख लो भाई, अब तो इन्होंने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, अब बात मान लो अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है तो बिल्कुल करवा लो। बिकॉज क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा, आपकी जितने सीसी का इंजन होगा ना उतने से डबल ट्रिपल आपका बिल बनेगा, गलती से भी अगर आप एक बार एडमिट हो गए था। तो मैं जरा अपनी पॉलिसी रिन्यू कराता हूँ और चिट चैट करते हैं, क्योंकि आशु भैया हमारे परम बुजुर्ग है, बहुत पुराने मित्र है मजाक कर रहा हूँ, तो थोड़ा चिट चैट करते हैं हम लोग और उसके बाद आपसे बोलते हैं। सो भाई, बैक टू होम स्वीट होम। और आज जो है ना, जूसेस का एकदम दौर चल रहा है पूरा यार। दिन में पिया ऑरेंज जूस, उसके बाद आशु भैया गया गया तो उन्होंने पिलवा दिया शुगर केन जूस, और अब मैं पी रहा हूँ ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस। क्या हुआ ना यार कि आशु भैया के सब काम वाम निपटाने के बाद मैं जब घर आया ना, तो घर आते आते मुझे मिल गया मस्त तरबूज के ठेले वाला। तो मैंने तरबूज लिया, घर आया और उसको फ्रीज करने के लिए रख दिया था, मतलब ठंडा करने के लिए रख दिया था, चिल्ड करने के लिए। एकदम चिल्ड करने के बाद एकदम मस्त वाला जूस बनाया। गर्मियों में ना जितना हो सके जूस पियो, पानी पियो, लस्सी, मज़ा ही आता है यार, और बॉडी भी हाइड्रेट रहती है। सो भाई, ऐसा है कि आज का ये व्लॉग बस यहीं तक था, आपको एजुकेट करने के लिए था कि भैया ऐसा है कि प्लीज़ अपनी लाइफ, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा होता है कि आज के दौर में ना, जैसा कि आशु भैया ने भी आपको बताया था कि अगर आप एक छोटी सी बीमारी के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो आपका जो है ना कहाँ पैसा जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। सो खैर, देखो ऐसा है कि मैं भी इतना ज्ञान आपको तभी बांट रहा हूँ बिकॉज मैंने भी 2020 में, सॉरी 2019 या 2020 में डैड ने मेरे पीछे पड़ के मुझसे कह के कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करवाया था। तो उससे पहले मेरा भी नहीं था, तो झूठ क्यों बोलूँगा यार, आप सबसे झूठ बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो हेल्थ इमरजेंसीज है ना, ये कह के नहीं आती है, और कोरोना के बाद स्पेशली हम सब ये चीज़ सीख चुके हैं। तो भैया चलो, आज के ब्लॉग का करते हैं पे एंड इस शानदार से ठंडे ठंडे वाटरमेलन जूस के साथ। हमेशा की तरह ध्यान रखिएगा, ऑलवेज एक्सेल योर वरीज, एक्सेल योर सैडनेस एंड इनहेल द हैप्पीनेस। जय हिंद।